चलो भाई, अब तो मैं फाइनली बैठ गया हूँ यहाँ पे। आप खुश हो भाई? हाँ प्रोडक्शन, हाँ जावियर, आमिर भाई एंड द टीम, आप कुछ बातें कर लें इस बारे में। यार बेसिकली जब डेट नाइट बनाई तो बहुत से लूज एंड्स थे इसके, और वो बेसिकली एक जंप कट्स और जंप स्केयर्स बेसिकली, और इस सब के ऊपर ही वो फिल्म जो है ख़त्म हो गई थी। कोई उसका क्लाइमैक्स प्रॉपर नहीं था और एब्रप्ट एंडिंग थी, जो कि वही चाहिए थी। लेकिन जब जो हमारे जो ऑडियंस है, जब उनकी तरफ से डिमांड आई कि आगे क्या होगा और आगे का क्या सीन है, ऐसा लगा कि भाई इसको आगे लेके बढ़ना चाहिए और इसको आगे लेके बढ़ना गलत नहीं होगा। तो दैट्स हाउ वी केम अप विद दिस आइडिया। ग्रेटेस्ट मोमेंट यार वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो एक हाइलाइटेड है वो आप समझ लीजिए कि मुझे ना एक दो सीन्स हैं, अभी मैं बताऊंगा नहीं कौन से सीन्स हैं, लेकिन उसमें एक शुरू का सीन ही है फिल्म का, पूरा सीक्वेंस है बेसिकली वो। तो उसमें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो जिस तरीके से सोचा है वैसे पुल ऑफ हो जाएगा, डायरेक्शन वाइज भी, सिनेमाटोग्राफी वाइज भी, एक्टिंग वाइज भी। लेकिन वो जिस तरीके से पुल ऑफ हुआ, तो कट के बाद सिर्फ तालियां बजीं और एक दिल बड़ा हो गया उस दिन अगले सीन्स करने का शूट। तो वो सीन बहुत ही ग्रैंड हुआ शूट, अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बेसिकली वो फिल्म के हर सीन पे एक ना एक स्पॉइलर मिल जाएगा आप लोगों को। तो आई थिंक यू शुड वॉच इट फर्स्ट। इट वॉज ग्रेट, इट वॉज ग्रैंड, क्योंकि एक टीम होती है, टीम ऐसे बनती है जब हर कोई प्रोजेक्ट को अपना समझे, हर कोई उसकी एक ओनरशिप ले, उसको कहते हैं एक टीम। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन था, और वो चाहे फिर एक्टर्स हैं, वो DOP है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो एसोसिएट डायरेक्टर है, वो आर्ट है, कोई भी है, ENG की टीम हो गई, गैफर हो गया, हर किसी की इतनी ज़्यादा इसमें जो है वो एक जोश था और एक एक ओनरशिप थी। ये तो टीम के लोग थे, जो प्रोडक्शन की टीम थी उसकी तरफ से भी जो जज्बा था और एक एक कह सकते हैं कि एक विल थी उन लोगों के अंदर कि भाई अब शुरू किया तो फिर तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने कॉपरेट किया, जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन दोनों ने मिलके जिस तरीके से संभाला पूरा प्रोजेक्ट शुरू से लेकर एंड तक, लिटरली शुरू जब एक दफ़ा फिल्म हो जाती है तो इस तरह के मसले आते हैं कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन इस टीम की एक खासियत ये है कि इधर हर किसी ने जिस तरीके की एक ओनरशिप ली हुई थी ना टीम टीम में शूट करते हुए, और तो इट वॉज रियली ग्रेट, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। यार इस पे मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि जो चीज़ डेट नाइट वन में रह गई थी, जो एक जो सवालात रह गए थे, वो पूरे होने वाले हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा। तो ऑडियंस की तरफ से तो इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है हम लोगों को, आई होप सो। बाकी आप लोग बताइएगा। अगेन वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुझे याद है, हम कर रहे थे आउटडोर सीक्वेंस, तो उसमें मुस्कान जो है, सारा जो फिल्म में सारा हैं, उनका एक सीन था कि वो ड्राइव कर रही हैं गाड़ी। तो ऑब्वियसली जब सीन कर रहे थे तो हम गाड़ी रुकी हुई थी, बट उसको मूव करना होता है, एंड लाइटिंग के वे में उसको दिखाते हैं कि वो लाइट पास हो रही है एंड गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी को हिलाना पड़ता है। तो तीन चार लोग मिलकर उसको हिला रहे थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही एक उस पर आके गाड़ी ने स्क्रीच मारी और गाड़ी रुकी, तो
तो मैं पीछे से देख रहा हूँ कि गाड़ी अभी भी हिल रही है। मैं बोल रहा हूँ यार क्या सीन क्या है, तो मैं देखता हूँ तो वहाँ पे खड़ा हुआ था हमारा एसोसिएट डायरेक्टर सऊद और वो खड़े होके यूं। अब कट हो चुका है और मैं हैदर द डीओपी एंड द होल टीम वॉज लाइक, फिर सऊद मुड़ता है बोलता है हो गया, मतलब जी बहुत पहले हो गया था। तो बहुत सब हंसे थे उस टाइम पे क्योंकि वो कट हो चुका है और गाड़ी रुक गई फिर भी गाड़ी हिल रही है, तो इट वॉज जस्ट फनी। अलॉट बहुत कुछ, मतलब कि हर फिल्म के बाद हमें लगता है कि यार हमें बहुत कुछ समझ में आ गया है, लेकिन अगली फिल्म या अगला प्रोजेक्ट भले वो फिल्म मेकिंग हो कुछ भी हो, लेकिन आपकी अगली जो एक अप्रोच होती है वो आपको बताती है कि बेटा अभी तो एक स्टेज था वो जो गुजर गया, अब आगे बढ़ो ज़रा और देखो कहाँ कहाँ पे जो है हालत ख़राब होने वाली है, क्या क्या तुमको अभी और चीज़ें मिलने वाली हैं आगे। तो डेट नाइट और डेट नाइट चैप्टर टू, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यार बेसिकली मैं और आमिर भुट्टो जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं और आर्यन भुट्टो जो कि फिल्म में समीर हैं, हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि जो फिल्म मेंटर है जो चैनल है उसके ऊपर हमें उसकी एक ब्रांच और निकालनी है, उस पर वी विल मेक फिल्म्स एंड स्किट्स एंड ऑल। तो बेसिकली हम लोग ने मिले के बैठ के बात करी, आमिर भाई कनाडा से आए हुए थे और इस बारे में बात चल रही थी, तो ऐसी एक आइडिया आया कि भाई फिल्म बना ही रहे हैं तो बनाते ही फिल्म मेंटर स्टूडियोज़ के लिए, इसी से जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको फीता काटते हैं, तो ऐसे शुरू किया। हाँ बहुत ज़्यादा, बेसिकली शूट करते हुए जितनी हम लोगों की बैंड बजी है फिल्म उससे डबल बजी है पोस्ट में, क्योंकि डेट नाइट चैप्टर टू इसमें आप VFX ले लो, इसमें आप कलर ग्रेड ले लो, एडिट ले लो, साउंड डिज़ाइन और म्यूज़िक एंड एवरीथिंग जो कि पोस्ट में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था वो प्रोसीजर, तो या बहुत डिफ़िकल्टीज थी पोस्ट में। या नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हम लोग फिल्म लिख रहे होते हैं तो सोचते हैं कि यार इसको ऐसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे और ये ऐसे होगा, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वही चीज़ निकल के सामने आए जब शूट फिल्म हो जाए एडिट हो जाए, क्योंकि या तो उससे बहुत अच्छी निकल जाती है या उसके अंडर होती है। मकसद ये था कि जितना हम लोग ने लिखा है इसको उसका अगर हम लोग 60% भी दे दें जो कि बहुत होता है तो हमारी जीत है। वॉट आई थिंक इज़ कि हम लोग ने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से लुकिंग एट एवरीवन्स हार्डवर्क और एवरीथिंग बहुत अच्छी फिल्म बन गई जो कि एक डिफरेंट स्टोरी की तरफ फॉल कर रही है, इट इज़ नॉट अ टिपिकल हॉरर फिल्म। या देखिए दो जो कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में समीर और सारा, मतलब आर्यन भुट्टो और मुस्कान सचवानी, इनके अलावा जितने भी थे जो चैप्टर टू में आए हैं उन सब की एक उनका सबका ऑडिशन वगैरह हुआ और कुछ चेंज भी हुए, लेकिन इन दी एंड जब शूट हुई फिल्म तो एक चीज़ समझ में आई कि डिसीजन सही था उनको लेने का। नहीं यार ऐसा कोई प्लान तो नहीं हम लोगों का, क्योंकि डेट नाइट हम लोगों को करनी थी कंप्लीट और हो गई वो अल्लाह का शुक्र है, तो इसको आगे मज़ीद बढ़ाने का मतलब हो जाएगा मज़ीद खींचना, तो कोई प्लान नहीं हम लोगों का फिल्म को लेकर।